शुभ उदय आप सबको ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत। आज हमारा पाठ है हम भारतवासी। नाम सुनते ही आपको पता चलता है कि ये हमारे देश के देशभक्ति जगाने वाला पाठ है। यह पाठ कविता है। कवि का और इस पाठ का उद्देश्य है कि छात्रों में देशभक्ति जगाना, इसके साथ साथ कविता लिखने की प्रेरणा करना, और देशभक्ति जगाना इस पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ में जो भी शब्द लिए थे वो सरल थे। सरल ये देखेंगे तो पता चलता है, अर्थकांत शब्द देखिए, तुकांत शब्द यानी राइम, एंड ऑफ द लेटर, एंड ऑफ द लाइन। इसमें भी करके करेंगे माने भविष्य काल में ऐसा दिया गया है, माने हमारे में शक्ति जगाना, हमारे में विश्व बंधुत्व और विश्व शांति का, देशभक्ति का, आत्मसमर्पण, त्याग, ये सब भावनाएं हमारे हमें जगाने के लिए कवि ने कोशिश किया। कवि इस कविता के कवि कौन है देख लेंगे। आरपी निशंक यानी रमेश पोखरियाल निशंक जी है। उनका जन्म 1959 में हुआ, 1959 में हुआ। वे अभी भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन वित्त मंत्री है, यानी विद्या शाखा मंत्री, केंद्रीय विद्या शाखा मंत्री। इसने अपने काव्यों में देशभक्ति का विषय लिया है, राष्ट्रीयवाद, देशभक्ति, ऐसे भावनाओं को जगाने की कोशिश किया है। और उनकी रचनाएं हैं समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता नहीं बनना है, ये सब रचनाएं इसने लिखा है, इन्होंने लिखा है। इस पाठ के अंतर्गत हमें भारत कैसा है, क्या करना चाहती है, उसके बारे में दिया गया है। और भारत के लोग, भारतीय जो भी है, उनके मन में विश्व बंधन, विश्व शांति, पूरे विश्व को पावन धाम बनाने की आशा और विश्व कल्याण, ऐसी भावनाएं जगाने की कोशिश इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। अभी देखेंगे पाठ। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, हम निराशा दूर कर फिर विश्वास जगाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। पावन धाम याने पवित्र स्थान। हम कवि कहते हैं कि भारतीयों में, भारत देश में विश्व को पावन धाम, विश्व को ही पावन स्थान बनाने की शक्ति है। हम लोग करेंगे ऐसा शक्ति है हमें। और ये भी कवि मानता है कि मन में श्रद्धा और
अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में श्रद्धा और प्रेम का ऐसा दृश्य दिखाएंगे जिससे दुनिया पावन धाम बन सकती है। ऐसा विश्वास कवि जगा रहा है, ऐसा विश्वास कवि हमें जगा रहा है और देना चाहता है। और ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। ऊंच नीच माने, ऊंच नीच यानी क्या है? हाई एंड लो, दैट मींस रिच एंड पॉवर, दैट टाइप ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट सजेस्टेड। ओके, वी वेलकम यू। ऊंच नीच का भेद मिटाकर, भेद यानी डिफरेंसेस मिटाना, रिमूव इट by taking all the differences, we felt some love and affection among the people. दिल में ऊंच नीच का भेद मिटाकर प्यार बरसाएंगे। उनके दिलों में प्रेम बरसाएंगे, प्रेम जगाएंगे। नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे। इधर कुहासा, कुहासा याने फॉग, फॉग याने क्या है? फॉग। सर्दी के मौसम में हम सुबह उठते ही हम देख लेते एकदम सारी जगह ये एकदम धूप जैसा होता है ना? वो धूप किससे बना हुआ है? वो भी एक तरफ का पानी की भाप है, पानी का भाप ही है। ऐसा जैसे वो कुहासा चला जाता है ना, ऐसे ही हमारे में नफरत का भेद मिटाना है। अमृत नफरत का हम तोड़ लेंगे। हमारे मन में जो भी नफरत है दूसरों के लिए, और नफरत हम लोग कुहासा जैसे निकालेंगे, हम लोग वो नफरत निकालेंगे और उसमें नफरत की जगह अमृत भर देंगे। हम लोग नफरत की जगह अमृत बरसाएंगे, अमृत रस भर देंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। निराशा बैठ जाता है, कुछ काम करने के लिए हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा है। पर ऐसे निराशा को दूर कर, ऐसे निराशा को भगा कर विश्वास जगाना है। विश्वास हम पर, विश्वास खुद पर विश्वास होती है ना, तो हम लोग सब काम कर सकते हैं। इसीलिए निराशा भगा कर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। ऐसे हम लोग ऊंच नीच का भेद मिटाकर, ऊंच नीच का भेद मिटाकर, दिल में ऊंच नीच का भेद मिटाकर प्यार बरसाएंगे। नफरत को तोड़कर अमृत रस सरसाएंगे। और निराशा को दूर कर उनमें विश्वास जगाएंगे। और कभी मानते हैं कि हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। बाकी सब अगले क्लास में देख लेंगे। धन्यवाद।